हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मॉरिंग। दोस्तों आज हम अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं वीवो Y21 डिवाइस के अंदर आप जो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं वो फाइल मैनेजर में सेव कैसे करेंगे। जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है उसको आप फाइल मैनेजर में सेव कैसे करोगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है वो हमारे डायलर पैड में ही सेव रहता है, जब हम नंबर डिलीट करते हैं तो हमारी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी डिलीट हो जाता है, लेकिन इसको फाइल मैनेजर में कैसे सेव करना है ये चीज हमसे पूछ रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे उसका सोल्यूशन निकाले हैं कि आप अपने जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको अपने फाइल मैनेजर में सेव कर सकते हो। दोस्तों इसका कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन हमारे पास एक सोल्यूशन है कि आप अपने जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको अपने फाइल मैनेजर में सेव कर सकते हो। तो चलिए उसको हम आपको करके दिखा देते हैं कि आपको किस तरह से अपने कॉल रिकॉर्डिंग को अपने फाइल मैनेजर में सेव करना है। तो दोस्तों हम चलिए अपने स्क्रीन पे ले चलते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे शो हो रहा है, अपने डिवाइस से हम आपको बताएं कि आप अपने फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको आप फाइल मैनेजर में सेव कैसे करोगे। जो आपके फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होता है उसको आप अपने फाइल मैनेजर में सेव कैसे करोगे। तो दोस्तों इसके लिए आपके फोन में कोई सेटिंग नहीं है कि आप वहां से चेंज कर दो और इसके बाद आपके फोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो फाइल मैनेजर में सेव होने लगी। तो चलिए हम यहाँ पे उसका एक सोल्यूशन निकाला हूँ कि आपको उसको सेट कर सकते हो कि आप अपने जो कॉल रिकॉर्डिंग है आपकी वो आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी। तो चलिए उसको कैसे करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने जो डायलर पैड है, जो आपका जहाँ से आप फोन लगाते हो जो आपका डायलर पैड है वो गूगल डायलर है, आपको उसको रिमूव करके अपने फोन में वीवो डायलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद आपके फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो फाइल मैनेजर में सेव होगी। तो उसको कैसे चेंज करना है चलिए आगे हम आपको बता देते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए भी आपके फोन में कोई सेटिंग नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमारा गूगल डायलर है यहाँ पे शो हो रहा है और हम इसको ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारा गूगल डायलर है यहाँ पे ओपन हो चुका, जो हमारे नंबर्स हैं यहाँ पे सब शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे, कुछ भी कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग आप करते हो तो आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है यहीं पे सेव हो जाता है। आप उसको ओपन करके यहीं से आप चेक कर पाते हो, यहीं से सुन पाते हो। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि आपको अपने जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको फाइल मैनेजर में सेव कैसे करना है। तो एक बार हम यहाँ पे दिखाते हैं कि जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है यहाँ पे कहाँ पे सेव होती है। तो उसके लिए आपको पे हिस्ट्री पे क्लिक करना है और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है यहाँ पे सेव है। जब हम नंबर डिलीट करेंगे हमारी कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं और उसको फाइल मैनेजर में कैसे सेव करना है ये चीज हम आपको यहाँ बताते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई सेटिंग तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक कोड बताएंगे जिसको आप यहाँ पे डायल करोगे। इसके बाद आपके फोन में जो गूगल डायलर है वो रिमूव होकर आपके फोन में वीवो डायलर इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए उस कोड को यहाँ पे डायल करते हैं। तो हम यहाँ पे कोड आपको डायल करना है *#*#55 6 88 *#*#* आपको लगाना है। इस तरह आप यहाँ पे कोड डायल करोगे और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग आते हैं। तो इसके आपको यहाँ पे सेटिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बटन है जो इसको आपको एनेबल करना है। तो आपको यहाँ पे इसको एनेबल कर देना है और जैसे आप इसको एनेबल करोगे आपके फोन में यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा जिस पे आपको ओके करना है। तो आपको यहाँ से ओके क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। इसके बाद सेट नाउ का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे सेट नाउ कर देना है। तो आप जैसे सेट नाउ करोगे यहाँ पे आपको दोनों डायलर यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो आपका वीवो डायलर है जो आपका गूगल डायलर है दोनों यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ से आपको वीवो डायलर को क्लिक कर लेना, आप देख रहे हैं फोन आ रहा है यहाँ पे, आपको ये नीचे वाले को क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से कट कर लेना, आपको कुछ नहीं करना, जैसे ऐसे कट कर लेना है। अब आप देख रहे हैं जो हमारे फोन में पहले गूगल डायलर आता था लेकिन अब यहाँ पे वीवो डायलर आ रहा। तो हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो नंबर है यहाँ पे फिर से आ रहा और थोड़ा सा जो हमारा डायलर पैड है यहाँ पे चेंज है। आपको अगर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग लगाना है या आप डायरेक्टली कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है आपके फाइल मैनेजर में ही सेव होगी, आपका इधर उधर नहीं सेव होगा। आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है आपके फाइल मैनेजर में सेव होगी और आप अपने डायलर पैड से भी देख चेक कर पाओगे। चलिए उसको कैसे करना है आगे आगे हम आपको बता देते हैं। तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कॉल सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो आपको कॉल सेटिंग पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग को मैनेज कर सकते हो, आपको किस तरह से अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को करना है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक मतलब सभी कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर रखना है। अगर आप कस्टम मतलब नंबर चॉइस करके यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे
रिकॉर्ड कस्टम कॉल ऑटोमेटिक। तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे नंबर नंबर जो आपको चॉइस करने को आएगा यहाँ से आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नंबर ऐड कर सकते हो, अपने जो सेफ कॉन्टेक्ट है उनको नंबर को ऐड कर सकते हो। तो एक बार हम यहाँ पे नंबर भी आपको दिखाते हैं किस तरह से ऐड होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या कहीं से भी आप नंबर ले सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट से। तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे, इसके बाद आपके फोन में ये नंबर सेट हो जाएगा और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं इस नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये हमारे फोन में ये नंबर जो है यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये नंबर यहाँ पे सेट हो चुका है। जब भी इस नंबर से कॉल आएगा हमारे फोन में ये नंबर सेट हो जाएगा। अगर आपको मतलब नए नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना है और ऑल मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, आपको इस पे क्लिक करना है। आपके फोन में जो भी नंबर आएगा उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा आपके फोन में। अगर आप सेव कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं जो आपके फोन में सेव है, तो आपको यहाँ पे नीचे आना रिकॉर्ड कॉल, रिकॉर्ड कस्टम कॉल्स ऑटोमेटिकली, आपको इस पे क्लिक करके नंबर चॉइस करके ऐड कर लेना है। तो आप इस तरह से नंबर यहाँ पे सेट कर सकते हो और इसके बाद आपको यहाँ से बैक हो लेना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका डायलर पैड है यहाँ पे आपको शो रहा है, यहाँ से आप कॉल लगाएंगे और यहाँ पे आपको किसी नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखना है कि जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो फाइल मैनेजर में जाती है या नहीं जाती है। तो हम एक बार एक नंबर है इस पे कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और इसको देखते हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग होता है इस पे जो हमारा कॉल रिकॉर्डिंग फाइल मैनेजर में जाता है या नहीं जाता है। तो हम यहाँ पे इस पे कॉल लगा दी है। आप देख रहे हैं कंपनी का नंबर है 198, क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे कॉल नहीं लगा सकता क्योंकि उस पे कॉल रिसीव हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ कंपनी का नंबर लगाया और इस पे कॉल रिकॉर्डिंग हमें ऑन कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे फोन में अभी यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आपको थोड़ी सी वेट करना है, यहाँ पे 2-4-5 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग हमारे फोन में हो जाए, इसके बाद हम आपको फाइल मैनेजर में ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे सेव होता है या नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 13-14 सेकंड का हो चुका है कॉल रिकॉर्डिंग और इसको हम कॉल को यहाँ से कट करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे फोन में ये कॉल रिकॉर्डिंग हो चुका है और आपको अगर डायल पैड से इसको ओपन करना है, मतलब अपने जो डायल पैड है इसी से आप चेक करना चाहते हैं अपने कॉल रिकॉर्डिंग को, तो इसको भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे शो हो जाएगी, आप यहाँ से चेक कर पाओगे जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग आपकी नीचे आ जाएगी और यहाँ से हम आपको ले चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में। हम यहाँ से इसको कट करते हैं और इसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वहां पे आता है या नहीं आता है। तो हम यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर को यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा फाइल मैनेजर है यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम अपने मेमोरी को ओपन करते हैं और आप देख रहे हैं जो हमारा मेमोरी है यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो फाइल्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग का फाइल यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग का फाइल है हमारे पास और हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के फाइल पे ओपन करते हैं और यहाँ पे आ रहा जस्ट कॉल। आप देख रहे हैं दोनों रिकॉर्डिंग यहाँ पे शो है, मैंने एक पहले किया था चेक करने के लिए और एक अभी हमने किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों रिकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है तो हम इसको ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे 14-15 सेकंड की रिकॉर्डिंग किया हूँ वो यहाँ पे चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये कंपनी का नंबर है और इसी तरह से आप अपने रिकॉर्डिंग में उसको फाइल नंबर करेंगे तो रिकॉर्डिंग है वो डिलीट नहीं होगी आपके फोन से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप अपने फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको फाइल मैनेजर में सेव कर सकते हो। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।